वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल फोन में ट्रिपल एक्स वाली वीडियो को हमेशा के लिए ब्लॉक कैसे करें, यानी कि जिंदगी भर के लिए सभी जगह से अपने मोबाइल फोन में ट्रिपल एक्स वाली वीडियो को ब्लॉक कैसे करें। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कोई ऐसा तरीका बताओ कि फिडमेट एप्लीकेशन से हमेशा के लिए ट्रिपल एक्स वाली वीडियो को ब्लॉक कर सके। तो उन्ही लोगों के डिमांड पे ये वीडियो बनाया गया है। तो अगर आपके फोन में पिछला वीडियो वर्क नहीं कर रहा था तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी जगह वर्क करेगा, और फिडमेट से, गूगल क्रोम से, इनकॉग्निटो मोड से, यानी कि जितना भी जगह से ट्रिपल एक्स वाली वीडियो को देखा जाता है सभी जगह से आप इजीली ब्लॉक कर सकते हैं। और एक बार ब्लॉक करने के बाद आप कभी भी उस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। इस टॉपिक पे जितना भी मैं वीडियो बनाया हूँ सभी वीडियो से यूनिक और सभी वीडियो से इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट ध्यान से देखिएगा। सब कुछ मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आप इसको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो। मुझे पता है कि आप बाद में भूल जाओगे। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन में इसको सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको फिडमेट एप्लीकेशन में लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन में सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिडमेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे साइड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो 18 प्लस से रिलेटेड जितना भी फिडमेट एप्लीकेशन में वेबसाइट है सभी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके सभी वेबसाइट को ओपन करूंगा और लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। वीडियो भले थोड़ी सी लंबी होगी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, देखिये यहाँ पे वो वेबसाइट ब्लॉक हो गया है। तो चलिए मैं सेकेंड वाली वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिये ये वेबसाइट भी यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। तो चलिए मैं थर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखते जाइए, मैं सब कुछ आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट भी ब्लॉक हो गया है। चलिए मैं फोर वाले वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये भी ब्लॉक हो गया है। तो चलिए मैं फाइव वाले वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, आप देखते जाइए यहाँ पे जितना भी वेबसाइट है सभी वेबसाइट पे मैं क्लिक करके आपको बार बार दिखा रहा हूँ। आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि फिडमेट में काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद ये भी ब्लॉक हो गया है। तो चलिए मैं आठवां वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर भी ब्लॉक हो गया है। तो चलिए मैं नौवां वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी ये भी वेबसाइट ब्लॉक हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट है आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पे दसवां वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ कि यहाँ पे ब्लॉक हुआ है कि नहीं। आपको सब कुछ यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं इतना आपको नहीं करके दिखाता, लेकिन बहुत लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं होता है। उन्हीं लोगों के कमेंट की वजह से सब कुछ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए बारह वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिये ये भी ब्लॉक हो गया है। यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, ये भी ब्लॉक हो गया है। यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, ये भी ब्लॉक हो गया है। सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक हो गया। यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट पर भी क्लिक करता हूँ तो भी ब्लॉक हो गया है। तो चलिए आप इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये वेबसाइट भी ब्लॉक हो गया है। आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट आएगा, देखिएगा ये वेबसाइट भी यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। तो देखिए यहाँ पे 20 वेबसाइट ब्लॉक हो गया। अब 21 वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वेबसाइट भी यहाँ पे ब्लॉक हो गया। यानी कि फिडमेट में पूरी तरह से जितना भी ट्रिपल एक्स से रिलेटेड वेबसाइट है सारे के सारे वेबसाइट यहाँ पे ब्लॉक हो गया, और सभी वेबसाइट को मैं ओपन करके आपको लाइव प्रूफ दिखाया हूँ। एक भी वेबसाइट को मिस नहीं किया हूँ, सभी वेबसाइट को यहाँ पे आपके सामने ओपन करके दिखाया हूँ। कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 25 वेबसाइट है ट्रिपल एक्स से रिलेटेड, सभी वेबसाइट को मैं ओपन किया लाइव प्रूफ, सभी वेबसाइट यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अब चलिए मैं आपको गूगल क्रोम एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ। मैं इनकॉग्निटो मोड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ट्रिपल एक्स से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट को मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपके सामने रिजल्ट आएगा। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई दूसरा वेबसाइट आपके सामने ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपने वीडियो में इतना लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ फिर भी लोग बोलते हैं कि काम नहीं कर रहे। मुझे समझ में यही आता है कि वीडियो सही से वो लोग नहीं देखते होंगे और सभी ट्रिक को फॉलो नहीं करते होंगे। तो चलिए आप फायरफॉक्स एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में ट्रिपल एक्स से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे सर्च किया देखिए यहाँ पर भी वेबसाइट को मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी ट्रिपल एक्स से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होगा, उससे रिलेटेड आपको दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फायरफॉक्स एप्लीकेशन में भी काम कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे ओपेरा मिनी एप्लीकेशन को
ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ओपेरा मिनी में मैं गूगल को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं आपको ट्रिपल एक्स रिलेटेड वेबसाइट सर्च करता हूँ। जैसे मैं सर्च करूंगा यहाँ पर भी वो वेबसाइट ओपन नहीं होगा, आपके सामने इस तरह का पॉपअप देखने को मिलेगा। तो ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सभी जगह काम करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है सेफ सर्फर। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं या इस पे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। जो भी आप कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड को क्लिक करके और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आपको यहाँ पे मिला के पासवर्ड डाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर देता हूँ। आपको दो बार पासवर्ड डालना है। उसके बाद आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा तो आपको यहाँ पे स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोटेक्टेड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इनेबल ऑलवेज ऑन का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ सेफ सर्फर का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ डिस्प्ले के ऑप्शन को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपके सामने यहाँ पे इनेबल डिवाइस एडमिनिस्टर का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक्टिव दिस डिवाइस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने 10 सेकंड का टाइम चलेगा। तो यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। 10 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चार डिजिट का कोई भी एक पिन को सिलेक्ट कर लेना है, जो की आपको पिन याद नहीं रहना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आंख बंद करके कोई भी एक पिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके ये एप्लीकेशन में लॉक लग गया। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको आ जाना है। बैक आने के बाद आपको करना है कि अगर आप चाहेंगे इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना तो भी आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो चलिए मैं इस पे लॉन्ग प्रेस करता हूं और यहां से खींच के मैं लाता हूं और यहां पे अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। फिर भी ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको फिर से यहां पे दिखा देता हूं। देखिए ये एप्लीकेशन यहां पे पड़ा हुआ है, यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं हुआ है। तो चलिए एक बार और मैं आपको अनइंस्टॉल करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया फिर भी ये एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं हुआ है। इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताया हूँ, अगर आप सही से इस तरीके को फॉलो करोगे तो 100% आपके फोन में ये ट्रिक काम करेगा और आप अपने मोबाइल फोन में इसी तरीके को यूज करके सभी जगह से ट्रिपल एक्स वाली वीडियो को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम होता क्या है कि देखिए सभी कंपनी का फोन तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं सभी कंपनी के फोन में ट्राई नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास जो फोन उपलब्ध रहता है उसी फोन में मैं रिसर्च करता हूँ, उसी फोन में ट्राई करता हूँ। इसलिए आप लोगों के पास जो भी कंपनी का फोन है उसमें यूज कीजिए, नहीं काम करेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।